ये कल से एक लगातार मीडिया में खबर चल रही है कि इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी के 20 एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने की ओपिनियन दी है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में। तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बिना सुने, बिना सबूतों को देखे, बिना गवाहों को देखे ऐसी ओपिनियन कैसे दे सकता है चुनाव आयोग। अभी तो कोर्ट पे सुनवाई नहीं हुई, ना कोई एमएलए की तरफ से सबूत पेश किए गए, ना एमएलए से कोई गवाह मांगे गए। एमएलए के पास तो बहुत कुछ है बताने के लिए, उनके पास इतने सबूत हैं जो ये सिद्ध करेंगे कि साहब देखो कोई प्रॉफिट नहीं था। उनके पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे गवाह हैं इस चीज को लेके कि कहीं कोई प्रॉफिट नहीं था, कहीं कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन बिना सुनवाई किए हुए इस तरह की ओपिनियन दी, ये ओपिनियन पूरी तरह से असंवैधानिक है, गलत है एकदम और अलोकतांत्रिक है। इस अलोकतांत्रिक ओपिनियन अगर दी गई है इस तरह की, तो इसके खिलाफ माननीय राष्ट्रपति जी को अवगत कराने के लिए माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी से समय मांग रहे हैं और एमएलए जाके उनके संज्ञान में ये बात लाएंगे कि अगर इस तरह की ओपिनियन चुनाव आयोग की तरफ से आई है तो ये बहुत ही बायस्ड ओपिनियन है, किसी भी रूप में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन नहीं किया गया इसमें, इसमें कोई सुनवाई नहीं की गई, इसमें एमएलए से कोई सबूत नहीं मांगे गए, इसमें एमएलए के किसी गवाह से बात नहीं की गई। और इस तरह की असंवैधानिक ओपिनियन अगर दी गई है तो हम माननीय राष्ट्रपति जी से अपील करेंगे कि इसे वापस चुनाव आयोग को भेजें और उन्हें कहें कि सारे जो एमएलए के पास सबूत हैं एमएलए की सुनवाई करें, एमएलए के सबूत देखें, एमएलए के गवाहों से मिलें, उसके बाद कोई ओपिनियन दें। एक मिनट, एमएलए जा रहे हैं, एमएलए समय मांग रहे हैं। और जो बात की जा रही है कल से, मैं देख रहा हूं कई चैनल भी हेडलाइन चला रहे हैं, लाभ की हानि, लाभ की हानि। किस चीज का लाभ लिया था भाई एमएलए ने? ये सारे के सारे एमएलए, मैं चुनौती दे के कहता हूं, एक रुपया नहीं लिया किसी एमएलए ने, एक रुपए का फायदा नहीं लिया किसी एमएलए ने, एक गाड़ी नहीं ली, कोई घोड़ा नहीं लिया, एक बंगला नहीं लिया, कोई दफ्तर नहीं लिया किसी एमएलए ने। किस चीज का लाभ लिया और इनको लगाया किस लिए था? सरकार मोहल्ला क्लिनिक बना रही थी, सरकार गवर्नमेंट स्कूल को ठीक कर रही थी, स्किल सेंटर बना रही थी सरकार, सरकार व्यापारियों के लिए वैट में मदद कर रही थी, वैट फ्रेंडली, व्यापारी फ्रेंडली वैट सिस्टम लागू कर रही थी, सरकार टूरिज्म पे काम कर रही थी, सरकार अनऑथराइज कॉलोनियों पे डेवलपमेंट का काम कर रही थी। वहां से जाके अपने पैसे से घूमते थे, इनको तो कोई गाड़ी भी नहीं दी गई, अपना पैसा खर्च कर करके जाते थे ये एमएलए। इनको जो काम दिया गया सरकार की मदद करने के लिए, सरकार का वो लेने के लिए, ये तो अनऑथराइज कॉलोनी से सरकार को सिर्फ काम बता रहे थे और अपने पैसे से अपनी गाड़ी से जाते थे, कोई कहीं दूर दूर तक कोई ना ऑफिस लिया, ना कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, एक रुपए का किसी को सैलरी नहीं मिली। आज 20 राज्यों में एमएलए लाखों लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, यहीं पे इसी सरकार में एमएलए होते थे जिनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लगाया गया था, उनके पास भी घोड़ा गाड़ी बंगला, उनके पास भी तनख्वाह मिलती थी उनको, यहां तो एक रुपए की तनख्वाह नहीं मिली। सारे कह रहे हैं कि जी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गया, किस चीज का प्रॉफिट हो गया? मैं बताता हूं ये क्या प्रॉफिट है और किसका ऑफिस, किसके प्रॉफिट पे चोट लग रही है। 3 साल पहले जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, 3 साल हो गए, 3 साल पहले, पहले साल में ही आते ही सबसे पहले दिल्ली में बिजली के दाम आधे किए थे आम आदमी पार्टी की सरकार ने। और आज 3 साल हो गए दिल्ली में, 3 साल में दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए गए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस राज्य में बनती है 20 दिन में दिल्ली के दाम दोगुने कर देती है, उत्तराखंड से लेके महाराष्ट्र तक सब जगह जहां जहां बढ़े हैं आप लोगों ने खूब रिपोर्ट किया है। 3 साल से दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने, पानी के रेट आधे कर रखे हैं और 309 नई कॉलोनी जिसमें द्वारका जैसी कॉलोनी शामिल है, गरीब कॉलोनी शामिल है, सब जगह 309 कॉलोनी में पानी पहुंचाया है। ये काम हुए पिछले उसमें, मोहल्ला क्लिनिक आप सबने देखे ही हैं, स्कूल आप सबने देखे ही हैं, फ्लाईओवर एक के बाद एक नए फ्लाईओवर का काम समय से पहले पूरा होता गया, कम पैसे में पूरा होता चला गया। ये सारे काम जो हो रहे हैं ना इससे और ईमानदारी से हो रहे हैं,
इससे कई बेईमान लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के दोनों जिस तरह की बेईमानी की दुकान की राजनीति करते थे, सरकारों को अपनी दुकान समझ के चलाते थे, उसकी दुकान बंद हो गई है। इसलिए ये बौखलाए हुए हैं, इसलिए घबराए हुए हैं। और इन्होंने अभी थोड़ी क्या है, कोई पहला हमला थोड़ी है आम आदमी पार्टी की सरकार पे। इन्होंने हमारे तमाम MLAs के खिलाफ में फर्जी FIR कराई, इन्हें कोर्ट से डांट तक पड़ी कई मामलों में, तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे दाखिल कराए हमारे MLAs के ऊपर। इन्हें लगा कि सारे MLAs को इसी तरह से तोड़ देंगे, आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, कमजोर कर देंगे। इन्होंने CBI रेड कराई मुख्यमंत्री दफ्तर पे, इन्होंने MLAs को खरीदने की कोशिश करी, इन्होंने 400 फाइलें हमारी दबा दी, 400 फाइलें LG दफ्तर में जाके उनकी खूब स्क्रूटनी कराई चारों तरफ से, कहीं से तो कोई बेईमानी मिल जाए, कहीं से तो कोई ऐसी चीज मिल जाए जहां किसी ने प्रॉफिट कमाया होगा। इनको कुछ हाथ नहीं लगा। तो ये 3 साल से मोहल्ला क्लिनिक बन गए, सरकारी स्कूलों में बहुत बढ़िया पढ़ाई होने लगी, सरकारी स्कूलों का माहौल सुधर गया, बिजली सस्ती मिल रही है, 3 साल में बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए गए, पेंशन बढ़ा दी, पेंशन वृद्धाओं की पेंशन बढ़ गई 1,000 रुपए, फ्लाईओवर बढ़िया बनते चले जा रहे हैं, कम ईमानदारी से काम हो रहा है। तो अब जो सरकार जब 4th साल में आई है, खूब इन्होंने कोशिश की, इन्होंने खूब तिकड़म की, खूब साजिशें की, इनका एक षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ आज तक। आज फिर से इन्होंने षड्यंत्र किया, क्यों किया है? क्योंकि BJP वालों को प्रॉब्लम हो रही है कि ये सरकार अगर 4th गियर में चली गई तो कैसे काम चलेगा। अभी तक 3 गियर में, 3 साल की सरकार 3 गियर में, अब 4th गियर में डल रही है सरकार। और 4th गियर में जो काम होने वाले हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम, जिसका आपको भी पता है कि सरकारी सेवाओं की डिलीवरी घर घर तक होगी, डोर स्टेप डिलीवरी आम आदमी के लिए सबसे आसान काम हो गया। घर घर जाके सरकार ने राशन बांटने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है, घर घर में लोगों को राशन मिलेगा, राशन की सारी चोरी बंद हो जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक नए बन रहे हैं, CCTV लगने का काम लगभग अब फाइनल स्टेज पर पहुंच गया है, स्कूलों में CCTV लग रहे हैं, अस्पतालों में CCTV लग रहे हैं, Wi-Fi की तैयारी हो चुकी है। ये सारे 4th गियर के काम है, अब सरकार 4th गियर में आ रही है। कच्ची कॉलोनियों में पानी पहुंचाने का काम, सड़क पहुंचाने का काम, नालियां बनवाने का काम, इसका सारा प्लान बन चुका है, सारा काम तेजी से चल रहा है। तो सरकार के इस 3rd गियर को रोकने की कोशिश में, चौथे गियर को रोकने की कोशिश में ये साजिश रची जा रही है कि इनको रोक दो ताकि अगले 2 साल कोई काम ना हो सके। ये इस कोशिश में भारतीय जनता पार्टी वाले, इनसे कोई काम तो होता नहीं देश में, क्योंकि इनकी चारों तरफ फजीहत हो रही है। जो ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं उस पर कभी व्यापारी नाराज हो जाता है, कभी किसान नाराज होता है, कभी कोई आम आदमी नाराज हो जाता है, इनसे तो कोई ढंग की पॉलिसी बनती नहीं। आज आम आदमी पार्टी की सरकार ना सिर्फ पॉलिसी बना रही है बल्कि अमल में भी करके दिखा रही है। एक भी पॉलिसी के लिए हमने नहीं कहा साहब जुमला था, इसलिए ये रोकना चाह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार इसी तरह से 4th गियर में भी काम कर गई तो ये तो कहीं के नहीं बचेंगे। इसलिए ये चाहते हैं कि अब ये उलझ जाए मामला, अगले कुछ महीने फिर विधानसभा चुनाव में निकल जाए, दिल्ली को चुनाव में धकेल दो, अगले कुछ महीने चुनाव में निकल जाए, विधानसभा के उपचुनाव में, उसके बाद लोकसभा चुनाव में निकल जाए, फिर अगले विधानसभा चुनाव की हो जाएगी तैयारी। तो ये चाहते नहीं कि दिल्ली में ये डोर स्टेप डिलीवरी, राशन घर घर बंटने का काम, CCTV का काम, फ्री Wi-Fi का काम, इन सारी चीजों को डिरेल करने के लिए ये साजिश रची जा रही है BJP की तरफ से। मैं कहना चाहता हूं कि 20 MLA जो भी हैं, अभी इनके साथ बैठे हुए थे सभी लोग, राष्ट्रपति जी के पास भी जाएंगे, जरूरत पड़ेगी कोर्ट में भी जाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से तमाम जस्टिस के तमाम नियमों को, तमाम रूल्स को दरकिनार करके चुनाव आयोग की राय बताई जा रही गई है, इसके बाद 2 मिनट में मुझे उम्मीद है कि कोर्ट में न्याय मिलेगा, टिकेगा नहीं कोर्ट में। और फिर भी अगर कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला तो जनता की अदालत है, सबसे बड़ी अदालत तो जनता की अदालत है। जिस तरह के काम दिल्ली के लोगों के लिए हुए हैं, इस बार इनकी एक भी सीट पर जमानत भी नहीं बचेगी BJP और कांग्रेस वालों की, मैं इनको कह रहा हूं। इस भरोसे में मत रहो कि हर जगह इस तरह से कर लोगे। आप CBI छोड़ सकते हो, FBI छोड़ सकते हो, फलाना छोड़ सकते हो, पुलिस छोड़ सकते हो, लेकिन जनता की अदालत में सबसे ज्यादा होता है न्याय, वहां पे न्याय होगा, और वहां पे एक सीट पे जमानत नहीं बचेगी इन लोगों की। तो हम हर चीज के लिए तैयार। कौन चुनाव आयोग गया, क्या गया, कैसे गया, मैं तो यही तो कह रहा हूं कि कहां सुनवाई हुई, एक पैसे का प्रॉफिट नहीं लिया। हमारे MLA भी बता रहे हैं, हमारे MLA के पास सबूत हैं
कि जी आप बताओ, गाड़ी लियो, घोड़ा लिया हो, दफ्तर लिया हो, एक पैसा कहीं से लिया हो, एक पैसे की कोई तनख्वाह ली हो। 20 राज्यों में कांग्रेस ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी ये लगा रखे हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, तनख्वाह तक ले रहे हैं, वहां पे लाखों लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, दफ्तर ले रहे हैं। यहां तो किसी ने एक रुपया भी नहीं लिया। किस चीज का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? आप चुनाव आयोग इसकी बात की सुनवाई तो करेगा, इसके बाद ही कोई ओपिनियन जनरेट करेगा। थैंक यू।